अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान और आप देख रहे हैं टेक मीनी यूट्यूब चैनल। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के 7 लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किस लिए होता है और ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो टाइप्स फर्दर हैं जिसे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के नाम से जाना जाता है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये है क्या। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, यानी अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो है तो वो अगर आप उसके आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू को वो वन के साथ इंक्रीज करके वन कर देगा। इसका सिंबल इंक्रीमेंट ऑपरेटर का डबल पॉजिटिव साइन है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताते जाऊँ कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल के साथ लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ वैलिड स्टेटमेंट में आ रहा है कि ए प्लस प्लस ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी ए एक वेरिएबल है उसमें हम प्लस प्लस कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए की वैल्यू अगर पहले ज़ीरो है तो प्लस प्लस होके यानी इंक्रीमेंट होकर वन हो जाएगी। यानी कि ये हमेशा इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल के साथ यूज़ किया जाता है। नीचे मैंने कॉन्स्टेंट के साथ प्लस प्लस गया है कभी भी वर्क नहीं करेगा, ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। कॉन्स्टेंट के साथ कभी भी ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया जाता, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल के साथ यूज़ होगा। उसके बाद दोस्तों, प्रीफिक्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। प्रीफिक्स में कहता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो आपके वेरिएबल से पहले लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल आपका एक्स बाद में आ रहा है, उससे पहले आपका ये प्लस पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, यानी ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका पहले आ रहा है। उसके बाद है पोस्टफिक्स फॉर्म। पोस्टफिक्स में क्या होता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका बाद में लिखा जाता है, यानी कि पहले आपका वेरिएबल आएगा उसके बाद आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। ये दोनों करेंगे क्या, इन दोनों मेथड्स ने आपके वेरिएबल में वन को प्लस करना है, यानी एक का इजाफा करेगा। लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों किस लिए प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म यूज़ की जाती है, ये भी देख लेते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस दो तरह का है, एक तो इंडिपेंडेंटली है और एक लार्ज एक्सप्रेशन है। अगर तो आपका इंक्रीमेंट जो है, आपकी क्वेश्चन जो है पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स, वो इंडिपेंडेंटली है, यानी उसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यानी आपने सिर्फ एक्स प्लस प्लस किया हुआ है, ये एक सिंगल वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, तो फिर इसमें चाहे वो पोस्टफिक्स हो चाहे प्रीफिक्स हो, आपका इंक्रीमेंट सेम होगा, आपके इंक्रीमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रिजल्ट उसके होंगे। इसकी बाद में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बता दूँगा किस तरह यह सेम रिजल्ट होगा। दूसरा हमारे पास आता है लार्ज एक्सप्रेशन, कि लार्ज एक्सप्रेशन में क्या आता है, अगर तो आपका वेरिएबल किसी पर डिपेंडेंट है, जैसे कि ए इज इक्वल टू एक्स और आगे इंक्रीमेंट है, यानी एक लार्ज एक्सप्रेशन है, तो इसमें रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो ऑपरेटर आ रहे हैं, एक आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ रहा है, एक आपके पास ये इक्वालिटी का साइन आ रहा है। अगर एक ही स्टेटमेंट में दो आपके पास ऑपरेटर आ रहे हैं तो इसमें इसका जो वर्किंग होगी इसकी वो चेंज हो जाएगी। वर्किंग किस तरह से चेंज होगी ये आगे जाके हम देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले लार्ज एक्सप्रेशन में पोस्टफिक्स क्या होता है हमारे पास, कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, यानी कि ए इज इक्वल टू एक्स इंक्रीमेंट है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू जो है वो ए को असाइन होगी, यानी पहला वर्क क्या क्या ऑपरेटर हमारे पास आ रहा है इक्वल का, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट से पहले एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो ए को असाइन हो जाएगी, उसके बाद एक्स में इंक्रीमेंट होगा। जैसा कि यहाँ पे स्टेप में आया हुआ असाइन द वैल्यू ऑफ एक्स टू ए, यानी पहले स्टेप में ही एक्स की वैल्यू ए को असाइन करेगा, उसके बाद आपके एक्स में ये ए का इंक्रीमेंट करेगा। यानी कि ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से वर्क करेगी कि पहले ये एक्स की वैल्यू जो है आपके ए को जाएगी, ये स्टेटमेंट पहले वर्क होगी, उसके बाद आपके एक्स में इंक्रीमेंट होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक्स वन है, तो एक्स की वैल्यू जब ए को जाएगी तो वो वन होगी, उसके बाद एक्स में इंक्रीमेंट होकर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, यानी अब इस सिचुएशन में एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी टू और ए की वैल्यू क्या निकलेगी वन। आगे आ जाते हैं प्रीफिक्स में, कि प्रीफिक्स में क्या वर्क होता है। प्रीफिक्स में जैसे कि ये इंक्रीमेंट का साइन पहले आ रहा है, तो पहले एक्स में इंक्रीमेंट होगा एक का, उसके बाद उसकी वैल्यू ए को साइन होगी। यानी कि अगर एक्स आपका वन है तो वन में ये इंक्रीमेंट होकर टू होगा, और बाद में एक्स की वैल्यू जो टू है वो ए को साइन हो जाएगी। इसमें एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि पहले आपका ये इंक्रीमेंट होगा एक्स में, उसके बाद एक्स की वैल्यू ए को असाइन होगी। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि किस तरह से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म यूज़ की जाती हैं, किस तरह से ये वर्क किया जाता है। अब चलते हैं दो प्रोग्राम छोटे से, एक तो हम बनाएंगे हमारे सिंपल के साथ और दूसरा हम बनाएंगे लार्ज एक्सप्रेशन के साथ, ये देखने के लिए कि किस तरह से वर्क करते हैं।
अच्छा, प्रैक्टिकल में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने चार वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, उन चारों को जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया, यानी चारों की वैल्यू इस वक्त जीरो है। अब जैसा कि यहाँ पे ए की वैल्यू इस वक्त जीरो है, तो ए इंक्रीमेंट का मतलब अब ए की वैल्यू यहाँ पहुँच के क्या हो जाएगी, वन, यानी ए की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद वन होगी। उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, उसे हमने इनिशियलाइज करवा दिया बी को, यानी ए की वैल्यू दे दी हमने बी को। बी की वैल्यू जो कि ऊपर हमने जीरो इनिशियलाइज करवाई थी, यहाँ पे ए की वैल्यू बी को देने के बाद यहाँ भी वन हो जाएगा। ए का जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यहाँ वैल्यू ए की वन आएगी और वन हमने दे दी है बी को, तो बी की भी वैल्यू क्या हो गई, वन। उसके बाद यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने पोस्टफिक्स तरीके से किया, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स से किया, लेकिन दोनों से डिफरेंस कोई भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हम इंडिपेंडेंटली यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई भी लार्ज एक्सप्रेशन यूज़ नहीं किया गया, इसलिए एक स्टेटमेंट में एक ही वर्क होगा। तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है, तो जब इंक्रीमेंट होगा एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो वन है वो हमने वाई को इनिशियलाइज करवा दी है। इस तरह चारों की वैल्यू ए बी एक्स और वाई की जो होगी वो वन हो जाएगी। क्या हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका, उसमें भी ये वन 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 ही होगा। ये देखें, एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, यहाँ पे ए भी वन आ रहा है, बी भी वन, एक्स भी वन और वाई भी वन। तो यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंटली तरीके से कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कोई अदर वेरिएबल उसके साथ यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा, चाहे वो प्रीफिक्स हो चाहे वो पोस्टफिक्स हो। अब दूसरा लार्ज एक्सप्रेशन से यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसमें क्या होगा। सेम वही प्रोसेस करेंगे, चार वेरिएबल लेंगे, उन्हें ज़ीरो से इनिशियलाइज करवा देंगे। अब इस स्टेप पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि सबसे पहले ये है एक पोस्टफिक्स मेथड। तो पोस्टफिक्स मेथड क्या कहता है कि पहले जो होगा वो वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो, यानी यहाँ पे भी ए की वैल्यू ज़ीरो है। अब ये पोस्टफिक्स है, तो पहले ए की वैल्यू बी को असाइन कर दी जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या असाइन होगी बी को, वो ज़ीरो होगी। उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट होगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अब हम नीचे आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे प्रीफिक्स किया हुआ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले क्या है, ज़ीरो, जो कि यहाँ इनिशियलाइज करवाई है। यहाँ पे जब प्रीफिक्स तरीके से इंक्रीमेंट होगा, तो एक्स की पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद वैल्यू वाई को असाइन होगी। पहले जब इंक्रीमेंट होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, और वन जो वैल्यू आई है वो वाई को असाइन होगी। इस तरह जो इसकी आउटपुट हमारे पास निकलेगी, ए भी वन होगा, बी हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि बी की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू पहले ज़ीरो थी, जो हमने बी को साइन करवाई है। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका आउटपुट निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, साइन होने के बाद जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे जनरेट होगा, ए भी वन है, बी ज़ीरो है और एक्स वाई भी वन वन है। अगेन मैं ये स्टेप रिपीट कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। ए की वैल्यू इस वक्त हमारे पास ज़ीरो है, यहाँ पे पोस्टफिक्स मेथड में पहले हमारा क्या होगा, वैल्यू असाइन होगी। ए की वैल्यू जो ज़ीरो थी वो असाइन हुई हमारे बी को, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। उसके बाद हमारे ए में इंक्रीमेंट होगा, ए ज़ीरो था, इंक्रीमेंट के बाद ए हो गया वन। उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे प्रीफिक्स मेथड है, इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उसके बाद असाइन होगी। यहाँ पे एक्स ज़ीरो था हमारे पास, जब इंक्रीमेंट किया तो एक्स की वैल्यू हो गई वन, और एक्स की वैल्यू वन होने के बाद वाई को भी असाइन होगी। इस तरह हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हुई, उसमें ए भी हमारा वन, एक्स भी वन, वाई भी वन, लेकिन बी हमारा ज़ीरो आया, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में आया हुआ, ये देखें। तो दोस्तों, ये मेथड था हमारा इंक्रीमेंट का, जिसमें पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स मेथड क्या होते हैं वो हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम, आज हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा, मैं आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर करवाऊंगा कि वो किस तरह से वर्क करता है, वो भी तकरीबन सेम ही है, उसको भी एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आपको मज़ीद जो कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।